नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। श्रीनगर और कुपवाड़ा जिलों के कुछ हिस्सों में लगाई निषेधाज्ञा। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और कुपवाड़ा जिलों के कुछ हिस्सों में बुधवार को प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू कर दी, जबकि कथित छेड़छाड़ की घटना के बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा गोली चलाने से 3 लोगों की मौत होने को लेकर तनाव बरकरार है। इस बीच जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के समक्ष यह मामला उठाया, जिन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि मामले की जाँच की जाएगी और दोषियों को दंडित किया जाएगा। सर्राफा कारोबारियों की 42 दिन पुरानी हड़ताल समाप्त। सोना, हीरा एवं चांदी के रत्न जनित आभूषणों पर 1% उत्पाद शुल्क लगाए जाने के विरोध में पिछले 42 दिन से जारी सर्राफा कारोबारियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल बुधवार को समाप्त हो गई। ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के उपाध्यक्ष एस के जैन ने बताया कि सर्राफा कारोबारियों एवं उनके विभिन्न संगठनों ने फिलहाल हड़ताल को समाप्त करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से इस बारे में विभिन्न स्तरों पर बातचीत की जा रही है। ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी फेडरेशन के अध्यक्ष जीवी श्रीधर ने बताया कि सरकार ने इस मुद्दे पर सकारात्मक रुख दिखाया है। दिवंगत एनआईए अधिकारी तंजील अहमद की पत्नी फरजाना की मौत। एनआईए अधिकारी तंजील अहमद की पत्नी फरजाना खातून का बुधवार सुबह निधन हो गया। 3 अप्रैल को एक हमले में तंजील अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना में उनकी पत्नी फरजाना खातून बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। फरजाना का एम्स के ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने डेलीगेट को धमकाया, टेड क्रूज का आरोप। टेक्सास के सीनेटर टेड क्रूज ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार बनने के शीर्ष दावेदार डोनाल्ड ट्रंप पर हिंसा भड़काने और मतदाताओं एवं डेलीगेट को धमकाने के लिए घटिया तरीकों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, जबकि ट्रंप ने उम्मीदवार चुनने की प्रणाली की आलोचना जारी रखते हुए इसे धांधली युक्त बताया। क्रूज ने कहा कि उनके अरबपति प्रतिद्वंदी एक खराब व्यापारी हैं और जो अपने पूरे करियर में चापलूसों से घिरे रहे हैं। पूर्व कर्मचारी ही करता था दिल्ली मेट्रो में लूटपाट। पुलिस ने यहां मेट्रो स्टेशन पर 12 लाख रुपए की लूट के सिलसिले में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बुधवार को यहां बताया कि समझा जाता है कि एक आरोपी मेट्रो का पूर्व कर्मचारी है। इन दोनों को देर रात अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। सोमवार सुबह दोनों व्यक्तियों ने दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर राजेंद्र प्लेस स्टेशन स्थित नियंत्रण कक्ष में धावा बोला और स्टेशन नियंत्रक को चाकू मार दिया। फिर दोनों वहां से करीब 12 लाख रुपए लेकर भाग गए। अब तक के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।